हिमाचल चंबा में 3 घरों में लगी भीषण आग, अग्निकांड में बुजुर्ग जिंदा जला। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आधी रात को 3 मकानों में आग लगी। आग की इस घटना में एक बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के अनुसार चंबा जिले की तहसील होली की कवारसरी पंचायत के हिलंग गांव में आधी रात करीब 1 बजे आग लगने से 3 मकान जल गए। आग जनी की इस घटना में एक बुजुर्ग की जिंदा जलने से मौत हो गई। दिल्ली के पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त, महिला समेत 4 की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। बंजार के घियागी के पास दिल्ली के पर्यटकों की कार हादसे का शिकार हुई है। कार हाईवे 305 से करीब 200 मीटर नीचे घियागी खड्ड में जा गिरी। 4 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में से 1 महिला सहित 3 सैलानी शामिल है। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला, SIT ने नालागढ़ से गिरफ्तार किए 4 युवक, हासिल किए थे 65 से ज्यादा अंक। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक मामले में SIT ने 4 और युवकों को गिरफ्तार किया है। SIT ने नालागढ़ से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी ने परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र देख लिया था और 65 से ज्यादा अंक हासिल किए। SP सोलन वीरेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। अब तक इस मामले में 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा चुकी है। 16 से ज्यादा अभ्यर्थियों के खिलाफ थाने में मामले दर्ज किए गए हैं। कई को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ये हस्तलिखित प्रश्न पत्र सबसे पहले जिला कांगड़ा में बटा है। मौसम ने बदली करवट, हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश, ओलावृष्टि, गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर को झमाझम बारिश से मौसम कूल हो गया है। इसके अलावा हल्की ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। शिमला व आसपास के भागों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 20 मई तक मौसम खराब रहने के आसार जताए हैं। इस दौरान कई भागों में बारिश होने की संभावना है।